कोरोना की मार सबसे पहले पर्यटन उद्योग को लगी, लेकिन पर्यटन उद्योग इससे उबर गया है। घरों में कैद लोगों ने मौका मिलते ही रिकॉर्ड पर्यटन किया और पर्यटन उद्योग में नई जान फूंक दी है। ये कहना है पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला का। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग को नई पहचान देने के लिए पर्यटन के साथ ही संस्कृति का भी सम्मिश्रण किया जा रहा है। ये प्रयोग पूरे देश में मध्य प्रदेश को अलग पहचान देगा। शिव शेखर शुक्ला से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने। के आते तक कोरोना ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन मध्य प्रदेश का पर्यटन या पर्यटन में किस तरीके से जान फूंकी जा रही है ये जानने की कोशिश करते हैं। सीधे हमारे साथ प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति जुड़े हुए हैं शिवशेखर शुक्ला जी। शुक्ला जी, जैसे कि मैंने कहा कि खासा नुकसान पहुंचाया कोरोना ने, किस तरीके से पर्यटन को बढ़ाने के प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कोरोना की सबसे बड़ी मार पर्यटन उद्योग को ही लगी है और पर्यटन उद्योग ऐसा उद्योग है जो सिर्फ पर्यटन से में ही सीमित नहीं रहता। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी सभी सेक्टर्स पे पड़ता है, पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पे भी पड़ता है। तो उसी दृष्टि से एक और काम ये किया जा रहा है कि पर्यटन और संस्कृति दोनों का आपस में मेल कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति भी बहुत ही समृद्ध है। चाहे वो हमारे जनजाति भाइयों की बंधुओं की संस्कृति हो, कला आर्ट क्राफ्ट कल्चर डांस या उनकी पेंटिंग्स इस प्रकार की चीज़ें हों, या हमारे विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय संस्कृति के दृष्टि से देखा जाए, बुंदेलखंडी संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, ये सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनको भी कैसे हम उभारें कि वो टूरिज्म बढ़ाने में भी सहयोगी हों और देश विदेश के लोग ये देखना चाहते हैं आज की तारीख में। तो हम उस मौके का फायदा उठा रहे हैं और इस प्रकार के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें दूसरे प्रदेशों में उनको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती और हमें फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिले और पर्यटन प्रारंभ होते ही देशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक स्थलों में आए और विदेशी पर्यटक भी हमारे यहाँ के ऐतिहासिक नैसर्गिक सभी आनंद को प्राप्त करें, देखें और संस्कृति का आनंद लें। तो ये पुरजोर हमारी ओर से प्रयास है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राजस्व को भी हानि हुई होगी, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? राजस्व की हानि हुई भी है और नहीं भी हुई है, क्योंकि जब जब ये वेव्स आई, जितने समय ये वेव्स आई उस समय तो पर्यटन रुका, परंतु जैसे ही वो वेव खत्म हुई तो लोग घर में बैठ के इतने ऊब गए थे कि रिकॉर्ड पर्यटन हुआ। उदाहरण के तौर पे दिसंबर 2021 जो भी गया, आज तक के मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में सर्वाधिक पर्यटन रिकॉर्ड किया गया। तो ये ओवरऑल जब देखें पूरे साल में मिला करके तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ भी तो वो मेकअप हो गया। और अब बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, सब सुधर गया है। आप और हम अपने आप को फिर से सुरक्षित पा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है, थर्ड वेव भी आई और चली गई भगवान की कृपा से, किसी को कोई ज़्यादा आहत नहीं कर पाई। अब हमारा प्रयास ये है कि अब लोग आएँ और आनंद लें जीवन का। जो दो साल गाड़ी रुक गई थी वो गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़े और तेज गति से गतिमान। बिल्कुल, तो जैसा कि कहा गया है कि बीती ताई बिसार दे और आगे की सुतले, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले समय में ना सिर्फ संस्कृति की छाप छोड़ी जाएगी पूरे देश में मध्य प्रदेश से, बल्कि पर्यटन को भी खासा बढ़ावा दिया जाएगा। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।